नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फ्यूज़न किक्की में। और आज आप सबके अनुरोध पर लखनऊ के बाज़ारों को एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं हम। जी हाँ, तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ डंडैया बाज़ार में। और डंडैया बाज़ार आने के लिए जो लोकेशन आपको होगी, कपूरथला चौराहे से आप किसी से भी पूछ के यहाँ पहुँच सकते हैं। लैंडमार्क मैं बता दूँ तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ जय माँ महाकाली मंदिर के पास, और यही जो पूरी रोड आपको सड़क दिख रही है, यही है डंडैया बाज़ार। तो चलिए एक्सप्लोर करेंगे। और मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ, तो क्या कुछ चीज़ें यहाँ मिलती हैं उसका एक नज़ारा लेते हैं। इससे पहले कि कई सारी शॉप्स के अंदर हम जाएं और देखें, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सूट साड़ी लहंगे इत्यादि की बहुत अच्छी जो रेंज है वो यहाँ मिल जाएगी। तो बस इसी वाली रोड पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं और आप एक्सप्लोर करते चलें। तो सबसे पहले हम फुटवेयर के कलेक्शन को दिखलाने के लिए आ पहुँचे हैं रॉयल फुटवेयर पे। आप शॉप का नाम ऊपर देख लीजिए और यहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलेंगे अंदर, सबसे पहले हम रॉयल फुटवेयर के जो ओनर है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? दीपक गुप्ता जी। तो दीपक जी, बताइए कि जो ब्राइडल सैंडल्स की कलेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रही है, इसका प्राइस रेंज वगैरह कैसा होगा? 350 से है स्टार्टिंग जी, फिर आप जितने तक लें 450, 550 जैसा भी आप लेना चाहें जी। तो जैसे ऊपर वाली रो में जो ये लगे हैं सैंडल्स, इनका क्या प्राइस होगा? 450 रुपीज़ का। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ब्राइडल कलेक्शन का यहाँ पे बहुत सारा अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरीके के गोल्डन वेजेस वगैरह भी हैं, वो आपको 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस भैया बता रहे हैं। बाकी जैसा भी आप डिज़ाइन वगैरह पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग है। इधर भी ब्राइडल कलेक्शन बहुत अच्छा लगा हुआ, एक नज़र आप देखो तो इसमें जो छोटे छोटे स्टोन्स है, राइन स्टोन्स जिसको कहते हैं, उस तरीके का पैटर्न भी लगा है। बेलीज में भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। देन आफ्टर सैंडल्स हैं यहाँ पर, तो ये इनके पास ब्राइडल वेयर का बढ़िया कलेक्शन है, आपको मिल जाएगा। बद्री ज्वेलर्स एंड बैंकर्स आपको दिख रहा होगा, उसके ठीक पास में एक छोटा सा स्टॉल लगा है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फैंसी हेयर एक्सेसरीज मिल रही हैं, झुमके मिल रहे हैं, नेक पीसेस वगैरह मिल रहे हैं, बच्चों के लिए हेयर क्लिप्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अलावा इस तरीके की फ्लोरल ज्वेलरीज भी यहाँ पर बहुत सारी मिल रही हैं, इधर भी आप देख सकते हो। तो ये सब ज्वेलरीज जो है, हालाँकि भैया की शॉप पर काफ़ी भीड़ है तो मैंने उनसे प्राइस पहले ही पूछ लिया था, आपको ये 250 रुपीज़ में पूरा सेट मिल जाएगा। हल्दी के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा आपके। देन आफ्टर आपके ऐसे 10-10 रुपए के हेयर बैंड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा फिर आपको इधर भी फ्लोरल ज्वेलरी है, बहुत सारे छोटे बच्चों के भी आपको इस तरीके के फोर वाले हेयर बैंड्स, पोल वाले मिल जाएंगे, दैट इज़ 4 रुपीज़, 30 रुपीज़ ओनली। और थोड़ा अगर आप अंदर की तरफ देखो तो इधर भी आपको छोटी बच्चियों के लिए बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज मिल रहे, सुंदर सुंदर फेरी वाले, और इयर रिंग्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो इस स्टॉल पे अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपको हेयर एक्सेसरीज बहुत सारा मिल जाएगा। थोड़ा बनाना क्लिप्स भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छे कलर के बनाना क्लिप्स हैं यहाँ पे। देन आफ्टर आपके क्लचर्स भी हैं, थोड़े ट्राइबल और एथनिक प्रिंट वाले क्लचर्स भी यहाँ पे हैं, और प्राइसेस बहुत नॉमिनल है, बिल्कुल अमीनाबाद टाइप का प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर आप हेयर एक्सेसरी के लिए डंडैया मार्केट में ज़रूर आइए। डंडैया मार्केट में इस वक्त मैं खड़ी हूँ सिलेक्शन साड़ी हाउस में। तो पहले ओनर से उनका नाम जान लें। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? पवन शर्मा जी। पवन जी हमारे साथ हैं, तो पवन जी आप साड़ियों के कुछ बेहतरीन कलेक्शन हमें दिखाइए। जी कौन, क्या फैब्रिक है ये? ये कोसा सिल्क फैब्रिक है। कोसा सिल्क फैब्रिक है जी। और क्या कीमत होगी इसकी सर? ये 4100। तो दोस्तों आप देख सकते हो कोसा सिल्क के ऊपर एक ये बढ़िया बहुत खूबसूरत कलर की साड़ी है, और कीमत इसकी है 4100 रुपीज़। ये बैम्बो सिल्क में है, बैम्बो सिल्क के ऊपर। ओके, और क्या फैब्रिक है ये? मतलब वही बैम्बो सिल्क। ओके, और कितना प्राइस होगा इसका? बैंगलोर का है जी, ये 3100। तो दोस्तों ये भी एक बहुत खूबसूरत साड़ी लग रही है, जिसके ऊपर आपको मल्टी कलर इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए दिख जाएंगे, और इसकी प्राइस है केवल 3100 रुपये। और देखने में भी अगर आप देखो तो ये काफ़ी अच्छी साड़ी है, बटर सिल्क में जी। एक ये साड़ी भैया दिखला रहे हैं बटर सिल्क के ऊपर, और कलर काफ़ी फ्रेश है, और आप बॉर्डर वगैरह पे भी देखो तो बहुत इंटीग्रेट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। भैया इसका क्या प्राइस हो जाएगा? 2800 2800 की जी।
शिफॉन के ऊपर भी अगर आपको कुछ बढ़िया हल्के वेट में साड़ियाँ चाहिए तो इस तरीके की साड़ियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके अलावा भैया के पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये ग्रीन साड़ी देखें तो ये भी एक बहुत खूबसूरत सी साड़ी है। यहाँ पे दोस्तों ब्राइडल के लिए एक अच्छा कलेक्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ी हैवी लग रही है भैया, इसका क्या प्राइस है और क्या मटेरियल वगैरह है? ये लहंगा साड़ी है। लहंगा साड़ी है जी, 6100 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये एक पैटर्न जो है वो लहंगा साड़ी का पैटर्न है। दैट मीन्स का जो आपका फ्रंट का पैटर्न होगा वो बिल्कुल लहंगा स्टाइल का होगा और ये लहंगा साड़ी है 6100 रुपये के ऊपर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ब्लू के साथ यहाँ पे ब्राइट बर्न्ट ऑरेंज का कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। सिलेक्शन साड़ी हाउस के अंदर हमने पवन भैया से रिक्वेस्ट की कुछ लहंगे दिखाने के लिए, तो उन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा गाजरी रेड मिक्स कलर प्रिंट के ऊपर एक लहंगा दिखाया है। भैया क्या प्राइस है इसका? ये 12000 का जी। और क्या फैब्रिक है ये? सिल्क फैब्रिक पे जी। तो ये जरी वर्क पे सिल्क फैब्रिक पे आपको लहंगा मिल जाएगा 12000 रुपये का। उसके अलावा भी भैया के पास काफ़ी सारे लहंगे के ऑप्शन हैं जी। तो आप देखिए कि इनके पास कलर मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये वाला लहंगा आपको यहाँ 12000 का पड़ेगा दोस्तों। इसको मैं आप थोड़ा सा आपको डाल के दिखाती हूँ। तो आप देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको इस लहंगे का फ्लेयर आएगा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कलर बहुत सुंदर है। तो आप चाहें तो सिलेक्शन साड़ी हाउस के अंदर आके खूबसूरत लहंगे ले सकते हैं। साड़ियों के और लहंगों के अलावा जेंट्स की शेरवानी भी यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी लगी हुई है। जैसे आप ये गोल्डन वर्क वाला देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था आपका। ऑफ वाइट में है, ब्लू में है और एक ब्लैक के ऊपर भी रेड वर्क है। तो ये सब शेरवानी भी आप यहाँ से आके ले सकते हैं। दंडैया मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि सूट साड़ियाँ और लहंगों का जो रेंज है वो काफ़ी सस्ता और अच्छा है। तो एक नज़र आप इस शॉप पर भी ज़रूर डालें। साड़ियाँ और लहंगा तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आप डेली यूज़ रेगुलर वेयर में या फिर कॉटन बेस पे लेना चाहते हो तो इस तरीके के आपको लॉन्ग ड्रेसेस कुर्ता काइंड ऑफ मिल जाएंगे, जो कि आपका 800-900 रुपीज़ का है। इस तरीके के जो ड्रेसेस हैं आपको हल्दी वगैरह में भी किसी के आप चाहें तो वेयर कर सकते हैं। एक ये कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा डिसेंट अगर आप देखें तो पैंट स्टाइल पर आपको मिल जाएगा, जो कि केवल 900 रुपीज़ का सेट है। इस तरीके के जो ड्रेसेज हैं और जो पैंट और सूट है आपका, वो आप चाहें तो कॉलेज में भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप अंदर की तरफ देखें तो इन भैया के पास काफ़ी सारे डंडैया मार्केट के अंदर आपको ब्राइडल बैग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, जिसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरीके के आपके मेकअप बॉक्सेस, वैनिटी बॉक्सेस भी हैं, उसके अलावा ब्राइडल पर्सेस भी लगे हुए हैं। एंड द प्राइस इज़ ओनली ₹500। और इस तरीके की जो वैनिटी बॉक्सेज हैं वो आपको 900-1000 रुपये तक में मिल जाएंगे। पीछे भी आप देखो तो काफ़ी सारे ब्राइडल क्लचेस वगैरह लगे हुए हैं। और इस वाली शॉप का नाम है ताज पैलेस। अगर आप देखें तो इस तरीके के ब्राइडल क्लचेस काफ़ी सुंदर लगते हैं, एक नज़र आप गौर से देखें। और प्राइस काफ़ी रेंज अच्छा है, 400-500 रुपीज़ में आपको बढ़िया क्लचेस मिल जाएंगे यहाँ पे। आपको ब्राइडल बैग्स यहाँ पे काफ़ी सारे बढ़िया मिल जाएंगे। तो भैया से थोड़ा प्राइस रेंज वगैरह भी पूछ लेते हैं। जैसे भैया वो जो पिंक लगा हुआ, ब्राइट पिंक काइंड ऑफ, उसका क्या प्राइस है? 900 का होगा। 900 जी का, ओके। और ये जो रेड लगा हुआ बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में, ये 600 का होगा। 600. बाकी अंदर रखे होंगे, सामने ज्यादा नहीं लगाते हैं। ओके. अंदर ज्यादा पर्स होते हैं जो अच्छी ब्रांड में होते हैं जी। जैसे एसेंस होगा, डिसेंस हो गया। एक आध पीस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो थोड़ा दिखा दीजिए हमें। ओके. ब्लश पिंक कलर का एक काफ़ी खूबसूरत हैंडबैग यहाँ पे भैया ने हमें दिखाया है, इसकी क्या प्राइस होगी भैया? ये 1250 का होगा। 1250 का जी। 1250 रुपये में आपको ये बढ़िया सुंदर हैंडबैग मिल जाएगा। उसके अलावा भैया के पास कलेक्शन काफ़ी सारा है, जिस हिसाब से आपको मटेरियल या फिर चाहिए तो आपके यहाँ पर आके आप ले सकते हो। इधर भी आपको छोटे स्लिंग्स वगैरह दिख जाएंगे और वैनिटी बॉक्सेज भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। जो सिल्वर वाला मेकअप बॉक्स है, वैनिटी बॉक्स, उसकी क्या प्राइस है? 500 रुपीज़। ओके. केवल 500 रुपये में आपको काफ़ी ब्राइट एंड शिमरी काइंड ऑफ बॉक्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो बहुत ही सुंदर और स्पेशियस लग रहा है। तो बढ़िया बैग्स के लिए भी आप ताज पैलेस जो शॉप है उसमें ज़रूर आइए। डंडैया मार्केट में आपको सूट साड़ी लहंगों के अलावा नर्सरी भी का भी जो पौधे हैं वो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। कितने सुंदर प्यारे प्यारे गुलाब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, साथ ही साथ जो है आपको गेंदे के फूल यहाँ पर दिख जाएंगे। काफ़ी सारे जो आपके मौसमी जो फूल होते हैं, सीजनल फ्लावर्स होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर
बहुत सुंदर मिल जाएंगे और दिख जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, कलरफुल गमले हैं, प्लांटर्स हैं, हैंगिंग प्लांटर्स वगैरह है। तो डंडैया के अंदर आप जो है पौधों की शॉपिंग के लिए, फूल के जो पौधे होते हैं उनकी शॉपिंग के लिए भी आ सकते हो। कलेक्शन का एक जो दुकान आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज और कलेक्शन है। अगर आप देखो तो यहाँ लहंगे भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ आपके सूट पीसेस भी बहुत अच्छे हैं। जो पिंक वाला ये है, इसका प्राइस भैया ने केवल 650 रुपये बतलाया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो एक ये येलो कलर का आप देखो हल्दी के लिए बहुत खूबसूरत लहंगा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देन आफ्टर आपका ग्रीन कलर के ऊपर गोल्डन वर्क के ऊपर भी बहुत सुंदर एक सूट पीस यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो इधर आपको शॉल्स भी डिस्प्लेड हैं, साड़ियाँ भी हैं, और अंदर भी भैया के पास काफ़ी अच्छा और बढ़िया कलेक्शन है। प्राइसेस बहुत नॉमिनल है, सूट के प्राइसेस जो रेंज है वो केवल 650-700 रुपये से स्टार्टिंग है। तो मनपसंद सिलेक्शन की जो दुकान है डंडैया मार्केट के अंदर, आप वहाँ ज़रूर आइए। डंडैया मार्केट के अंदर बैग्स की एक बहुत अच्छी शॉप मिल गई है दोस्तों। तो पहले भैया से उनका नाम पूछ लें। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? समीरुद्दीन जी। समीरुद्दीन भाई हमारे साथ हैं और इनके यहाँ पे आपको लेडीज़ पर्सेस की बहुत अच्छी कलेक्शन दिख रही होगी, तो उनसे प्राइसेस वगैरह पूछते हैं। जैसे ये एक रेड वाला जो पर्स है, इसका क्या प्राइस होगा भैया? का 600 जी। तो आप देखो दोस्तों, ब्राइड्स के लिए बहुत ही सुंदर बैग आपको यहाँ पे दिख जाएगा और प्राइस केवल 600 रुपये का है जी। तो और अच्छे में भी अगर आप देखें, ये एक काफ़ी खूबसूरत प्यारा बैग लग रहा है दोस्तों। अगर मैं आपको इसका लुक दिखाऊं तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्या प्राइस है भैया इसका रेड वाले का? ये वाला 1150 का जी। 1150। और ये ग्रे वाला? ये भी वही 1150। तो आप देखो दोस्तों कि ये बैग मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कीमत केवल 1150 रुपये है जी। ब्राइडल के लिए भी भैया के पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। ये गोल्डन के ऊपर काफ़ी खूबसूरत पर्स इन्होंने दिखाया है, आप देखो कितना खूबसूरत ब्लिंगिंग है, और इसके ऊपर राइनस्टोन्स भी बहुत अच्छे लगे हैं। इसकी क्या प्राइस है भैया? 1200। 1200 रुपये का ये सुंदर सा पर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। पार्टी वियर इस तरीके के जो आपके क्लचेस वाले बैग होते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे ब्राइडल कलेक्शन में। इसकी क्या प्राइस है? 1200 का ये भी है। 1200 रुपीज़ का है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। अगर आप क्लोज लुक देखें कैमरे से इसका, हाँ जी स्लिंग है ना जी, तो आपको इसके साथ स्लिंग चेन भी मिल जाएगी, और बहुत खूबसूरत है पैटर्न, थोड़ा रोज गोल्ड के ऊपर है, ब्रॉच भी बहुत सुंदर लगा हुआ है। तो एक कलेक्शन अगर आप देखो तो भैया के पास इस तरीके के बैग्स की भरमार है। ओके ये आप स्मार्ट सा स्लिंग देखिए, गुची की कॉपी है और कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। जिमी चू भी है भैया के पास, मतलब बस आपको नाम लेना है ब्रांड का और वो निकाल देंगे। क्या प्राइस है इसका? 400। केवल 400 रुपये में आपको ये बढ़िया स्लिंग बैग मिल जाएगा। ये भी एक क्विल्ट पैटर्न जो चल रहा है ना दोस्तों, उसके ऊपर भी एक स्लिंग बैग आपको है। क्या प्राइस है इसका? 400। ये स्लिंग भी सुंदर सा आपको केवल 400 रुपये में मिल जाएगा। तो आप जो है इस वाली शॉप पर ज़रूर आइए दोस्तों। ऊपर भी आपको जी मामा भांजी जूते चप्पल आले। ओके, फुटवियर की आगे बड़े भाई की शॉप है जी। तो आप देखिए साथ ही साथ दोस्तों इनके पास काफ़ी खूबसूरत जो आपको होबो बैग्स भी दिख जाएंगे। ये जो सिल्वर वाला है भैया, इसका प्राइस बताइए ऊपर जो है। फोर्टीन हंड्रेड ये बैग भी दोस्तों काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, प्राइस है केवल 1400 रुपये। अगर आप इसका थोड़ा क्लोज लुक भी देखो, इस पर स्नेक काइंड ऑफ प्रिंट भी पीछे की तरफ दिया हुआ है। अगर आप इसको कैरी करके देखें तो कितना खूबसूरत लग रहा है। 500 केवल 500। और इस तरीके के रेगुलर बैग्स भी आपको मिल जाएंगे, प्राइस केवल 500 रुपये है। हैंडल्स भी है, स्लिंग्स भी है। तो ऐसे खूबसूरत बैग्स के लिए आप भैया की शॉप पे ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच भैया अपना प्यारा कलेक्शन दिखाने के लिए। और साथ ही साथ डंडैया मार्केट के अंदर आपको सस्ते हैंडबैग्स वगैरह मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगी, गाउन्स मिल जाएंगी, लहंगे हैं, साड़ियाँ हैं, और आपको वुलन कुर्ते वगैरह है। यहाँ पर लहंगों की और साड़ियों की भी बहुत सारी शॉप्स हैं। आप साथ ही साथ देखो वहाँ पर भी आपको बढ़िया कलेक्शन मिल जाएगा। जैसे एक ये पीस अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पे शरारा सूट लगा हुआ है। अंदर भी काफ़ी सारे बेसमेंट्स में शॉप है दोस्तों। अभी संडे है और शाम है, तो काफ़ी सारे दुकानों पे जाके हर एक का प्राइस पूछना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मेरा आइडिया है, जितना मैंने अनुभव किया, यहाँ पे प्राइस रेंज अच्छी है, सस्ती है। आप कह सकते हैं कि डंडैया बाज़ार एक सस्ती बाज़ार है, और यहाँ पर आपको ब्राइडल कलेक्शन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
नैया मार्केट के अंदर आपको छोटे बच्चों के भी बहुत सारे वुलन कपड़े मिल जाएंगे। देन आफ्टर अगर आप देखें तो इस तरीके के वुलन नाइटीज़ यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फैंसी दुपट्टे आपको मिल जाएंगे। शॉप का नाम ही है फैंसी दुपट्टा मैचिंग सेंटर। काफ़ी सारे खूबसूरत चुनरी प्रिंट के दुपट्टे हैं, बटरफ्लाई के दुपट्टे हैं, नेट के दुपट्टे हैं, मल्टी कलर दुपट्टे आपको मिल जाएंगे। प्लेन बेसिक ब्लैक मिल जाएगा, बनारसी के ऊपर मिल जाएगा। काफ़ी कुछ है दोस्तों डंडैया के बाज़ार में, आपको आने की देर है। थोड़ी सस्ती बाज़ार है, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मिडिल रेंज मार्केट है। आप अगर बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स चाहें तो उस तरीके का नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी अच्छा है। एक आपको अमर हैंडलूम गोरखपुर एम्पोरियम की शॉप यहाँ पर दिख जाएगी, जहाँ पर आपको कंबल मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको बाकी सारी चीज़ें अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है पर्दे के कपड़े, थान के कपड़े, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। उसके बाद आपको बैग्स के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फुटवेयर्स की भी यहाँ पे 7-8 अच्छी दुकान है, जहाँ पे आपको सस्ते सस्ते फुटवेयर्स मिल रहे हैं। ये आपको मेंस के फुटवेयर केवल 100 के मिल रहे हैं। बेडरूम स्लिपर्स काफ़ी सारे यहाँ पे क्वर्की एंड फंकी मिल रहे हैं। और आपको देखते चलो कि क्या क्या चीज़ें हैं डंडैया के बाज़ार में। बच्चों के बैग्स हैं, पर्सेस हैं। देखा दोस्तों कि डंडैया मार्केट के अंदर फुटवेयर्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं, आपके साथ ही साथ सूट है, साड़ियाँ हैं, लहंगे हैं, सूट पीसेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और प्राइसेस बहुत कम है, नॉमिनल है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। फुटवेयर्स की भी बढ़िया रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो आप डंडैया मार्केट के अंदर ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों। अमीनाबाद कह सकते हैं इसको एक मिनी, क्योंकि उस तरीके से ही शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। चूड़ियाँ वगैरह है, गोटे हैं, कोई कमी नहीं है, हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप एक बार डंडैया बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाएँ। और फिलहाल तब तक आप फ्यूज़न किकी के कैमरे की नज़र से देखते चले क्या कुछ कलेक्शन है इस बाज़ार में। बच्चों की कितनी प्यारी फ्रॉक मिल रही है दोस्तों साथ ही साथ। और आप देखिए इधर विंटर्स के भी कलेक्शन है, लेडीज़ का भी आपको यहाँ पे सूट पीसेस वगैरह मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको सैर कराई डंडैया बाज़ार की, बतलाइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। डंडैया मार्केट का वीडियो बना के हम निकल ही रहे थे दोस्तों कि एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर मुझे यहाँ पे मिल गया, और उन्होंने कहा कि वो फ्यूजन किकी के सारे वीडियोस देखती हैं, तो वो हेलो कर रही हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच, आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको डंडैया मार्केट की वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।